हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपका व्रत है तो आप उसमें कैसे बना सकते हैं नींबू के शरबत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो नींबू लिए थे जिनको हमने अच्छे तरीके से इसका जूस निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसका जूस निकाल लिया है। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी यानी कि शक्कर। तो चीनी की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए जितनी कि हमने नींबू का यहाँ पे रस लिया है। तो लगभग हमारा जो नींबू का रस है वो होगा आधा कटोरी। तो इसमें हम आधा कटोरी चीनी भी ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं चीनी यानी कि शक्कर ऐड करने वाली हूँ। तो इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी ज़्यादा ऐड और कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका व्रत है तो आपको एनर्जी चाहिए होगी। तो इसमें मैं चीनी थोड़ा और मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए, अभी इसको हमको क्या करना है, अगर आप गर्मी के दिन में कोई उपवास किए हैं तो आप इसमें ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नॉर्मल पानी इसमें ऐड करना चाहिए। तो इसमें हम नॉर्मल पानी ऐड कर लेंगे। लगभग दो ग्लास इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। तो लगभग दो ग्लास के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर पानी ऐड कर लिया है। अभी हम उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे स्पून की मदद से। तो स्पून से हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट आपको लग सकता है इसको मिक्स करने के लिए। इस तरीके से आपको मिक्स करना है। अगर आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही स्टोर करके रखेंगे तो जो चीनी है वो अपने आप ही इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और आपका जो शुगर और लेमन का जो सॉल्यूशन है, ये जूस जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा, शरबत बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। तो इसको आप अगर आप छान के पीना चाहते हैं तो इसको आप छान के भी पी सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी आपको अगर पीने का मन हो तो आप ऐसे भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा। आज मेरा महाशिवरात्रि है इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई थी। तो आप सभी के ऊपर महादेव और माता पार्वती अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।